हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्मार्ट क्लासेस। जेके स्मार्ट लेक्चर और इंजीनियरिंग क्लासेस, इन तीनों को सब्सक्राइब बटन पे आप ऐसे क्लिक कर दीजिए। आप इसको क्लिक करके आप इसके चैनल पे जाइए और इस पे बेल बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल्स। तो इथाइल अल्कोहल उसका दिया हुआ है C2H5OH, तो ये दिया हुआ है। और C की वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, H की वैल्यू 1 और O की वैल्यू 16, तो ये हमें गिवन है। इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू एटॉमिक मास जो है हमें गिवन है। तो हमने निकालना क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में, तो ये दिसंबर 2012 में आया हुआ है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल क्या है C2H5OH, यही है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, C है C2, C कितना है 12, तो हम लिखेंगे 12 into, तो साथ में क्या है 2, मीन्स आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्या है हमारा H5, तो लिखेंगे प्लस, नेक्स्ट वाला क्या है H क्या है हमारा 1, तो इसमें 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये क्या साथ में है इसके नीचे 5, तो 5 आ जाएगा, प्लस आई गया हमारा O कितने नंबर पे है 16, तो ये आ जाएगा 16, H कितने नंबर पे है 1, तो ये आ जाएगा 1, तो ये हमारा क्या बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास इथाइल अल्कोहल का बन जाएगा। तो ये कितना बनेगा 24 प्लस 5 प्लस 16, तो ये ओवरऑल कितना बन जाएगा, इसको इससे प्लस करेंगे तो 40, तो 40 प्लस 5 तो 45, तो ये मास है इसलिए ये ग्राम में आ जाएगा, 45 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको मैंने बता दिया है कि इसको कैसे सॉल्व करना है।